मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पहले कुछ सालों में मीडिया की छवि गोदी मीडिया के रूप में उभरी है। मीडिया सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करता है या फिर नफरत फैलाने की कोशिश। आज हम बात करेंगे जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की, जो लगातार अपने कार्यक्रम डीएनए के जरिए देश में नफरत फैला रहे हैं। हाल ही में अपने एक शो की वजह से सुधीर चौधरी पर केरल में FIR दर्ज हो गई, जिसमें शिकायत के आधार पर उन पर धार्मिक दुश्मनी फैलाने और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है, जो टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित एक कार्यक्रम के संबंध में है। पहले आप देखिए वो कार्यक्रम जिसकी वजह से FIR दर्ज हुई। तो जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम में कही गई कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है, फिर मीडिया जिहाद। इसके हथियार हैं यूज पेड मीडिया टू स्पीक इन फेवर ऑफ इस्लाम, यानी मीडिया को, पेड मीडिया जो है, डिजाइनर पत्रकार जो हैं उनको अपने साथ मिलाइए ताकि वो इस्लाम के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लिखें और बोलें। FIR दर्ज होते ही सुधीर चौधरी को बीजेपी का समर्थन मिलना शुरू हो गया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर जी न्यूज को समर्थन दिया। उन्होंने लिखा कि भले जिहाद के नाम पर मारकाट अराजकता मचाएंगे, फिर अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाए और सच्चाई दिखाए तो उस पर FIR करेंगे। हिंदुस्तान की भावना के साथ चल रही सुधीर चौधरी जी और जी न्यूज की मुहिम के साथ हूं। क्या आप हैं बीजेपी नेता? शहनवाज हुसैन ने भी वीडियो मैसेज जारी कर समर्थन जाहिर किया। नेशनल न्यूज चैनल है जो पूरे देश में देखा जाता है और वो सच दिखाता है। अगर एक सच बात सुधीर चौधरी जी ने बताई कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में जमीन का बंदरबांट हुआ और कई ऐसे लोगों को मिला जो जिन पर केस मुकदमे थे, अगर ये दिखाया और कुछ ऐसे विषय जो ISIS से लिंक स्थापित करते हैं, ऐसे विषय को एक्सपोज किया, उसके खिलाफ जिस तरह सुधीर चौधरी जी पर FIR दर्ज किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल की सरकार को चेताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस तरह से कोई राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ इस तरह जुल्म ज्यादती और FIR करेगी तो देश चुप नहीं बैठने वाला है। इसके बाद जी न्यूज ने एक मुहिम ही छेड़ दी जिसमें जिहाद वर्सेस जी न्यूज हो गया। आपको बता दें कि धवल पटेल नामक एक गुजराती पत्रकार पर गुजरात सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। मुद्दा आपको बताएं, धवल पटेल ने अपने वेब पोर्टल पर ये खबर चलाई कि विजय रूपानी जो अपने काम में असफल रहे हैं वो जल्द ही उनकी जगह पर मनसुख मंडाविया को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। इससे पहली बार नहीं हुआ है कि जो पत्रकार सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करते हैं और उनसे असल सवाल पूछते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। आपको याद होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और दूसरी तरफ अपने प्राइम टाइम में नफरत फैलाने पर भी सरकार इन न्यूज चैनलों पर कोई एक्शन नहीं लेती। जब कोई आम व्यक्ति FIR दर्ज करवाता है तो सरकार समर्थन में खड़ी हो जाती है। जी न्यूज द्वारा चलाई जा रही मुहिम में बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल है। इससे एक बात और समझ आती है कि बच्चे भी जी न्यूज द्वारा चलाई जा रही नफरत भरी खबर देखते हैं। ऐसी खबर से उनके दिमाग में कितना असर हो रहा होगा। आप भी देखिए किस तरह लॉकडाउन का फायदा उठाया जा रहा है और देश को तोड़ने वाली लड़ाई में शामिल किया जा रहा है और जरूरी मुद्दों को किस तरह गायब किया जा रहा है ताकि आपका ध्यान उन मुद्दों पर ना जाए। केरल में हमारे खिलाफ दर्ज की गई FIR भी इसी दुश्मनी का नतीजा है, उसी दुश्मनी की एक किश्त है। इस FIR को हम असली पुलित्जर पुरस्कार मानते हैं क्योंकि कम से कम ये FIR सच दिखाने का नतीजा तो है। ये जो FIR दर्ज की गई है ये IPC की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है, जिसके तहत जी न्यूज पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। अब आप वर्ष 2020 को, ये जो साल चल रहा है, इसे आप कोरोना वायरस के लिए तो याद रखेंगे ही, लेकिन आपको इस बात पर भी याद रखना होगा कि ये जो वर्ष 2020 है ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता का आपातकाल है, क्योंकि इस वर्ष कई राज्यों की सरकारों ने अलग अलग पत्रकारों के खिलाफ ऐसे ही बदले की कार्रवाई की है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं और अब इस जिहाद के खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई है। आपने देख लिया कि जिहाद के खिलाफ बोलने पर कैसे खास सोच वाले लोग संगठित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और फिर उन मीडिया हाउसेस को, उन पत्रकारों को रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उनके खिलाफ FIR करते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं, कहते हैं अगर जिहाद का नाम लिया
तो जेल भेज देंगे। बुजुर्गों से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक का साथ मिल रहा है। देखिए, किसी देश में अगर आपको बच्चों का साथ मिल जाए और अगर आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लीजिए कि देश वाकई जाग रहा है। जिहाद के खिलाफ बोलने पर मेरे खिलाफ केरल में FIR दर्ज क्यों हुई? क्योंकि खबर तो जम्मू से आई थी। असल में आपको इसका कनेक्शन इस बात से समझना होगा कि कश्मीर में भी जिहादी हैं और केरल में भी जिहादी हैं। ये जिहाद का वैचारिक गठबंधन है जिसमें एक को कही गई बात दूसरे को बुरी लग जाती है। और केरल में तो जिहादियों का गठबंधन है, वहां अर्बन नक्सल्स का भी गठबंधन है और आतंकवादियों का भी है। सुधीर जी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे, वे अक्सर हिंदू मुस्लिम जैसे नफरत भरी न्यूज करते रहते हैं। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। नफरत और जहर फैलाने वालों ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड खराब करके रख दिया है। तबलीगी जमात की वजह से भारत में कोरोना वायरस के मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक खास विचारधारा के लोगों की गलती अब पूरा देश भुगत रहा है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इन सारी कोशिशों पर पानी फेरना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये देश कोरोना वायरस के साथ इस युद्ध में हार जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मन ही मन नहीं चाहते कि ये देश कभी ठीक हो। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये लक्ष्मण रेखा है इस समय आपके घर के चारों तरफ और आपको उस लक्ष्मण रेखा को लांघना नहीं है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन पर वो लक्ष्मण रेखा लागू नहीं होती, जो इस लक्ष्मण रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं है? सुधीर जी अक्सर बीजेपी की तारीफ करते भी रहते हैं, सरकार की आलोचना नहीं करते, शायद इसलिए उन पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। मोदी जी, एक आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। तो इस जोक पर भरोसा करने का दिल करता है आपका कि आएंगे तो मोदी जी? मोदी जी अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आप राजनीति के शोले हैं। शोले सुपर हिट हुई थी लेकिन दोबारा नहीं आई, वो सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी। या आजकल एक नई पिक्चर आई है एवेंजर्स, जो हर 2-3 साल में उसका एक नया वर्जन आता है, उसका एक सीक्वल आता है और सुपर हिट होता है। आप क्या बनना चाहेंगे, राजनीति का शोले आप बनना चाहेंगे या एवेंजर्स की तरह आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहेंगे कि आप तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, जैसे अभी नेतन्याहू आए। सो ये जो आपका जो ये यूनिक स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है, इतनी जल्दी आप कैसे कनेक्ट करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो इस देश का नहीं है, आपकी भाषा भी नहीं समझता, आपको भी शायद बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं जानता, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा है, 125 करोड़ का आपका परिवार है, छुट्टी आप कभी नहीं लेते, और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं, हवाई जहाज़ में आप अपनी रात बिताते हैं। तो ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई देश के जो युवा हैं उनको भी शायद शर्म आ जाए। दुनिया का नया बॉस कौन है ये बताने के लिए फोर्ब्स मैगजीन हर साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की एक लिस्ट जारी करती है, और फोर्ब्स की इस नई लिस्ट में दुनिया का बॉस इस बार बदल गया है। लेकिन इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को भी टॉप 10 में जगह मिली है, क्योंकि सबसे ताकतवर लोगों की इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें स्थान पर हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की इस लिस्ट में पिछले 9 वर्षों से ये लिस्ट निकाली जा रही है, और इन 9 वर्षों में से 2015, 2016 और अब 2018 में भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोगों में शामिल किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी नफरत भरी न्यूज को लेकर कोई कार्रवाई करेगा और इसका असर आने वाले युवा पीढ़ी पर ना पड़े।
इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।